Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. And आप सबके last exams भी अच्छे ही हुए होंगे. You know, हमने हमारे syllabus का at the chapter तक हम complete कर चुके थे. And इसके आगे का course अब हम start करेंगे. हमने हमारा October तक का syllabus complete कर लिया है. और इसके आगे हमारा 9th chapter आता है, जो कि है safety and home. और हम इसे आज स्टार्ट करेंगे. इसमें हम सेफ्टी रीड करेंगे कि सेफ्टी हम हमारी सेफ्टी किस तरह से कर सकते हैं, मतलब हम किस तरह से सेफ रह सकते हैं घर में भी और घर के बाहर भी. सो हम स्टार्ट करते हैं. यू शुड नॉट प्ले विद द थिंग्स शोन इन पिक्चर्स फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ. देखो, हमें कुछ चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए. कुछ थिंग्स हैं जिनके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए, जो कि यहाँ पिक्चर्स में शो की गई हैं, बताई गई हैं. वो पिक्चर्स हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. देखो, फर्स्ट में हमें नाइफ दिया गया है, जिसके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए. थर्ड कैंडल है, जिसके साथ भी हमें नहीं खेलना चाहिए. एंड फोर्थ गेस है, जिसके साथ भी हमें नहीं खेलना चाहिए. अगर हम इन तीनों चीज़ों के साथ खेलेंगे तो हम खुद को ही हर्ट करेंगे, हमें खुद को ही डेंजर से देखना, डेंजर हमें मिलेगा. जैसे क्या होगा, नाइफ से हम खेलेंगे तो बाय चांस हमारे लगने के चांसेस हैं, कैंडल या गैस से होंगे तो हमें बर्न होने के चांसेस हैं. तो इस तरह से हमें इन तीनों चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए. और सेकंड नंबर पे जो टैडी बियर है, आप इसके साथ खेल सकते हो, क्योंकि इससे हमारे हर्ट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है. दीज थिंग्स आर नॉट सेफ टू प्ले विथ. ये वाली थिंग्स जो हमने देखी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये बिल्कुल भी हमारे खेलने के लिए नहीं है, हमारे लिए सेफ नहीं है. यू मे हर्ट योर सेल्फ. आप खुद को ही हर्ट करोगे इफ़ यू प्ले विद देम. अगर आप इसके साथ खेलते हो तो आप क्या करोगे, खुद को ही हर्ट करोगे, आपको ही नुकसान होगा इससे. बींग सेफ मीन्स अवॉइडिंग डेंजर्स एंड नॉट गेटिंग हर्ट. देखो, सेफ का मीन क्या होता है, सेफ रहने का मीन. सेफ रहने का मीन है कि हम डेंजर्स को अवॉइड करें, यानी अगर हमारे पास डेंजर आता है तो हम उसको क्या है, दूर भगाएं. एंड नॉट गेटिंग हर्ट, और खुद को नुकसान होने से बचाएं या खुद को हर्ट होने से बचाएं. तो सेफ रहने का मीन है कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को या डेंजर्स को इग्नोर करें, अवॉइड करें, और इसी तरह हम सेफ रह पाएंगे. We can remain safe by following safety rules always everywhere. देखो, कुछ सेफ्टी रूल्स ऐसे हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं और उससे हम खुद को सेफ रख सकते हैं सभी जगह में. अब हम कुछ सेफ्टी रूल्स पढ़ेंगे. सेफ्टी रूल्स एट होम मीन्स हमारे घर पे ही जो हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके सेफ रह सकते हैं, उनको हम इसमें रीड करेंगे. हियर फर्स्ट इज स्टे अवे फ्रॉम फायर एंड हॉट ऑब्जेक्ट्स. हमें क्या करना है, फायर यानी आग से एंड हॉट ऑब्जेक्ट्स और जो गर्म ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए. डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स एंड बर्निंग कैंडल्स. हमें मैच स्टिक्स के साथ और बर्निंग कैंडल्स के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए, इससे क्या होगा, हम हर्ट होंगे. Do not touch irons and cooking vessels when you are not sure whether they are hot or cold. हमें क्या है, iron और cooking vessels. देखो, iron क्या होती हैं, गर्म होती हैं. जब हम press कर रहे होते हैं, iron कर रहे होते हैं कपड़ों को, तो क्या होता है, वो गर्म होती है. अगर हम उसे टच करेंगे तो हमें हर्ट होगा, हम जल जाएंगे. इसी तरह cooking vessels हैं, कुछ बर्तन होते हैं जिसमें हम cook कर रहे होते हैं food को. अब वो गर्म है तो हम उन्हें टच करेंगे तो वही हमें हर्ट होगा. तो इस तरह से जब तक हमें आयरन या कुकिंग वेसल्स का पता नहीं है कि ये गर्म है या ठंडा हो चुका है, तब तक हमें उसे टच नहीं करना चाहिए. तो इस तरह से हम खुद को सेफ रख सकते हैं. नेक्स्ट, डिप अ फिंगर इन हॉट बाथ वाटर बिफोर पॉरिंग इट ऑन योर सेल्फ. देखो, हम नहाने के लिए अगर हम गर्म वाटर ले रहे हैं, हॉट वाटर ले रहे हैं, तो हमें क्या है, सबसे पहले एक फिंगर को उसमें डिप करके चेक कर लेना चाहिए कि वो हमारे नहाने लायक है या नहीं. अगर वो नहीं है तो उसे आप उसमें आप पानी मिलाओ, और अगर है तो यूज़ कर लेना चाहिए.
तो इस तरह से हम खुद को सेफ रख सकते हैं। चेक हाउ हॉट योर फूड इज बिफोर पुटिंग इट इन टू योर माउथ। देखो, हमें चेक करना चाहिए कि हमारा फूड जो है वो कितना गर्म है खाने से पहले। जब हम खाना खा रहे हैं तो उसे मुंह में डालने से पहले, मुंह में रखने से पहले हमें उसे चेक कर लेना चाहिए कि वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है ना। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो हमारी टंग जल जाएगी, तो इसलिए हमें उसे चेक करके ही हमारे माउथ में डालना चाहिए। नाउ हमारा नेक्स्ट जो है सेफ्टी रूल वो है, इन्फॉर्म एन एडल्ट इफ़ यू स्मेल समथिंग बर्निंग। अगर आपको किसी जलने की स्मेल आ रही है, कहीं बर्निंग की स्मेल आ रही है, तो आपको इमीडिएटली अपने एडल्ट को यानी अपन से बड़े को, खुद से बड़े जो भी घर में मेंबर हैं उन्हें फटाफट से इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स सच एज ब्लेड्स, नाइव्स एंड सीजर्स। हमें क्या करना चाहिए, शार्प और जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पे कुछ दी हुई हैं, जैसे हैं ब्लेड, नाइव्स एंड सीजर्स। ये कुछ थिंग्स ऐसी हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत शार्प होते हैं एंड पॉइंटेड होते हैं। इनसे हमारे लगने का डेंजर रहता है, मतलब लग सकती हैं हमारे हाथ में हम अगर इनको यूज़ करेंगे तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विद शार्प एंड पॉइंटेड टॉयज। हम टॉयज से खेलते हैं, आप लोगों को पता है आप सबके पास टॉयज होंगे, बट हमें शार्प एंड पॉइंटेड टॉयज से नहीं खेलना चाहिए। जैसे द बुलेट्स ऑफ अ टॉयगन, जैसे बुलेट्स होती हैं, टॉयगन जो होती है उसकी बुलेट्स होती हैं, एंड एरोज फ्रॉम बोज, बोज में जो एरो होती हैं उनके साथ, एंड डार्ट्स, ये कुछ टॉयज ऐसे हैं जिनके साथ आपको नहीं खेलना चाहिए, कुड हर्ट यू और पीपल अराउंड यू। ये चीज़ें या तो आपको खुद को हर्ट करेगी या आपके आसपास के लोगों को भी हर्ट कर सकती है। तो इस तरह से इस टाइप के जो टॉयज़ हैं उनसे आपको नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन द डोरबेल रिंग्स डू नॉट रश टू ओपन द डोर। देखो, जब डोरबेल रिंग हो, मतलब जब डोरबेल बजे, तो आप भागे नहीं, मतलब आप जल्दी से जाके डोर को खोलने के लिए नहीं जाएं। लेट एन एडल्ट इन द हाउस ओपन द डोर। किसी बड़े को ही डोर को ओपन करने देना चाहिए, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, भागना नहीं चाहिए डोर को ओपन करने के लिए। तो इस तरह से आप खुद को सेफ रख सकते हो। नेक्स्ट है, डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिकल वायर्स और गैजेट्स सच एज आयरन एंड टोस्टर्स। देखो, हमें कुछ चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं या कुछ गैजेट्स जैसे आयरन, टोस्टर, इन सब के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं उनमें करंट हो सकता है, तो इसलिए हमें उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। और जैसे गैजेट्स हैं, आयरन, टोस्टर, ये सब क्या हैं, गर्म होते हैं, तो इसलिए हमें इनके साथ भी नहीं खेलना चाहिए या इन्हें ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट पुट फिंगर्स इन इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, यू कुड गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। देखो, हमें हमारी फिंगर्स को इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में नहीं लगाना चाहिए, नहीं घुसाना चाहिए। यू कुड गेट, आपको क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में अपनी फिंगर्स को पुट नहीं करना चाहिए, जिससे हम क्या है, सेफ रह पाएंगे। अब आज के लिए तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको मैंने पढ़ाए, वो आप इन सब रूल्स को फॉलो करिएगा घर पे एंड सेफ रहिएगा। और बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो हम कल रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो मैं आपको बताऊंगी, तब आप इन सारे रूल्स को फॉलो करके सेफ रह सकते हो, खुद को हर्ट होने से बचा सकते हो और हम अपने आसपास के लोगों को भी सेफ रख सकते हो। ओके, नाउ कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।